हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कम कीमत और आसानी से बाजार जैसा टमेटो केचप बनाना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टमेटो केचप बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आपका अपना चैनल वंदनास किचन एंड गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टमेटो केचप। टमेटो केचप बनाने के लिए हम लेते हैं 1 केजी टमाटर, 4 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, 6 गोलकी, 1 छोटे साइज का प्याज, 300 ग्राम चीनी, 8 से 10 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 बीटरूट और 4 कश्मीरी खड़े मिर्च। आप कश्मीरी खड़े मिर्च की जगह पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरह से धो के सुखाने के बाद 2 टुकड़े में इस तरह से काट लेना है। सभी टमाटर से इस पार्ट को काट के निकाल लेना है, ये जल्दी पकता नहीं है। हमने सारे टमाटर को काट लिया है, अब इसका बीज निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से हमें सारे बीज को निकाल लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है। सारे टमाटर से बीज वाले हिस्से के पल्प को हमने निकाल लिया है और पल्प को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसे छन्नी से छान लेते हैं। तरह से सारे पल्प को छान लेना है। इसमें कोई भी बीज का पार्ट नहीं जाना चाहिए। इस तरह से सारे बीजों को निकाल लिए हैं। सारे बीज को निकाल लेने से हम टमाटर सॉस को 1 से 1.5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बीज का उपयोग करने पर यह जल्दी खराब हो जाती है। अब हम इसी पल्प से टमाटर को पका लेते हैं। अब एक कढ़ाई में टमाटर के पल्प को डाल देते हैं, साथ ही टमाटर को भी डाल देते हैं। 2 चम्मच व्हाइट विनेगर या सिरका, कलर के लिए 1/2 टुकड़ा बीटरूट, साथ ही अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च को डाल देते हैं। मिर्च से बीज को निकाल लिए हैं। खड़े मसाले को 1 कपड़े की पोटली में बांध लिए हैं और इसे भी डाल देते हैं। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देते हैं। टमाटर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। मसाला का पोटली को हम निकाल लेते हैं। हमने टमाटर को पीस लिया है, अब इसे छन्नी से छान लेते हैं। हमने छान लिया है, अब हम इसे पका लेते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे पल्प को डाल देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब चीनी को भी ऐड कर देते हैं। इसे चलाते हुए लो फ्लेम में 15 मिनट तक हमने पका लिया है, अब हम इसे चेक करते हैं। एक प्लेट में इस तरह से डाल के देखिए। हमें टमेटो केचप को इतना गाढ़ा होने तक पका लेना है।
हमारा टोमेटो केचप तैयार है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।